हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में जनसंख्या कितनी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से सुविधाओं में कमी भी होती है। लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि उसको हर सुविधा प्राप्त हो, तो व्यक्ति उन सुविधाओं को पाने के लिए बड़े बड़े शहरों में रहने के लिए चला जाता है। इसी कारण से शहर में काफ़ी जनसंख्या अधिक हो जाती है। तो आप क्या जानते हैं कि दुनिया के 10 सबसे बड़े शहर कौन से हैं जहां पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है? तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, ओसाका को जापान का आर्थिक केंद्र भी माना जाता है। ओसाका की गिनती जापान के प्रमुख शहरों की जाती है। इस शहर की जनसंख्या 19.16 मिलियन के करीब है और यह शहर करीब 263 वर्ग किलोमीटर के स्क्वायर में फैला हुआ है। यह जापान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर है जनसंख्या की दृष्टि से। नंबर 9, मुंबई को भारत देश की वित्तीय राजधानी के नाम से जाना जाता है। इस शहर को सपनों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई शहर अरब सागर से घिरा हुआ है। इस शहर को पहले समय में बॉम्बे के नाम से भी जाना जाता था। इस शहर की स्थापना 1507 ईस्वी में की गई थी। यह शहर बहुत ही खूबसूरत जगह है। इस शहर की जनसंख्या तकरीबन 1,24,42,373 है। इस शहर की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है और मुंबई शहर करीब 603 वर्ग किलोमीटर के स्क्वायर में फैला हुआ है। नंबर 8, बीजिंग को चीन की राजधानी भी कहा जाता है। शंघाई के बाद यह चीन का ऐसा दूसरा शहर है जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। बीजिंग की जनसंख्या करीब 1,74,30,000 है। नंबर 7, इजिप्ट। इस शहर को अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर माना जाता है और विश्व में इस शहर को 7वां सबसे बड़ा शहर माना जाता है। यह शहर यानी कि काहिरा नील नदी के किनारे बसा हुआ है। यह शहर करीब 3085 वर्ग किलोमीटर के स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इस शहर की जनसंख्या तकरीबन 20.9 मिलियन है। नंबर 6, ढाका। ढाका को बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। बांग्लादेश की राजधानी भी ढाका ही है। ढाका शहर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। इस शहर की जनसंख्या बांग्लादेश में सबसे अधिक है और इस शहर को सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर भी माना जाता है। इस शहर की जनसंख्या करीब 1.1 करोड़ जनसंख्या है। नंबर 5, मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी को मैक्सिको की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है और इस शहर को मैक्सिको का सबसे बड़ा शहर भी बताया जाता है। इस शहर की जनसंख्या करीब 22 मिलियन है। नंबर 4, साओ पाउलो। साओ पाउलो को ब्राजील का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। दुनिया में सबसे बड़े क्षेत्र में से एक साओ पाउलो की गिनती भी की जाती है। साओ पाउलो की स्थापना करीब सन 1554 ईस्वी में हुई थी और इस शहर की आबादी करीब 22 मिलियन है। नंबर 3, शंघाई। शंघाई को चीन का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बताया जाता है और आबादी के अनुसार शंघाई विश्व का तीसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है। केवल आबादी के अनुसार ही नहीं, बल्कि शंघाई को अर्थव्यवस्था के अनुसार भी इसको चीन का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। इस शहर की जनसंख्या करीब 1,81,01,725 है। नंबर 2, दिल्ली। दिल्ली को दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है। दिल्ली को भारत की राजधानी भी कहा जाता है। दिल्ली भी भारत में सबसे विकसित शहरों में से एक माना जाता है। दिल्ली भारत के मध्य भाग में स्थित है। दिल्ली करीब 1484 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। दिल्ली जैसे बड़े शहर की जनसंख्या 3,02,98,650 है। नंबर 1, टोक्यो शहर। टोक्यो शहर जापान की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर को दुनिया का सबसे बड़ा शहर माना जाता है जनसंख्या के हिसाब से। टोक्यो शहर करीब 2188 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। टोक्यो शहर समुद्र के तट होन्सू पर बसा हुआ एक शहर है। इस शहर में बहुत अधिक तादाद में लोग रहते हैं। इस शहर की आबादी करीब 3,73,50,426 है और यह शहर बाकी शहरों के मुकाबले में
काफी विकसित भी है। टोक्यो को इयो के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे दुनिया के 10 सबसे बड़े शहर जनसंख्या के हिसाब से। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।